अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम फौजिया बेगम है, मेरे शोहर का नाम मोहम्मद फ़ारूक है। उल्ला गोलकुंडे किले के रहने वाले हैं। मैं हसन नगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी होकर 11 महीने हो रहा है। 11 महीने से अभी तक मैं एक रात भी बगर रोए नहीं सोई। मेरे को हमेशा टॉर्चर करना तेरे भाई के साथ, तेरे ताल्लुकात है बोल के, हर हमेशा मेरे पर मामू के साथ है तेरे, सब ऐसे बोल के मेरे से लड़ना झगड़ना, रोज़ रो लेते रहना। मैं अपन गांजा पीते, वो गांजे का सिगरेट ला के ज़बरदस्ती मेरे को देते रूम में, पियो सो पियो पियो सो पियो बोल के। और मेरा पहले इंगेजमेंट हुआ हुआ था, उससे भी तोड़ा दिए, रसम तोड़ा के अपन कर लिए, ज़बरदस्ती कर लिए। वो रसम हुए से वाले के ऊपर शक करते। मैं कभी भी कौन से भी कलर के कपड़े पहनो या मैं लच्छा पहनो, कुछ भी पहनो, मेरे को बोलते थे तू उसके नाम का डाल ली, तू उसके नाम के कपड़े पहनी, हर हमेशा मेरे को ये बोलते। और कौन-कौन मारते थे आपके ससुराल में? मेरे को शोहर मारते थे। परसों जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई में सास ननन दोनों मिल के मारे। मैं बोली मेरे को ऐसा, मैं 11 बजे अम्मी उनके घर से गई मेरे छोटे भाई के साथ, तो तू तेरे भाई के साथ है बोल के बोले मेरे को, तू तेरे भाई के साथ सो के क्या, ऐसा गलत अल्फाजों से बोले मेरे को। तो मैं बोली तुम भी तो तुम्हारी बहन को लेके जाते ना जी, तो तुम्हारी बहन के साथ तुम है क्या बोल के मैं पूछी, तो मेरे को ननन आके फुल मारी, अम्मी लोगों के सामने भी हमारे मारे। क्या करते आपके शोहर? क्या करते? कुछ भी नहीं, काम करते, बेकार है, घर में रहते खाली बैठे हुए, गांजा पीते, अम्मा खुद ही की पैसे देते उनको, तलवारा है उनका, ने चाकुआ है, फांसी डाल दे रहे थे एक बार अम्मा से लड़ लेके मेरे को, चोटी काट दिए मेरी, तो इतनी लंबी चोटी कहीं को मटका लेते फिरती बोल के हमारी ननन चोटी काट दिए। पीएस में कंप्लेंट करे? हाँ पीएस में कंप्लेंट करे, राजेंद्र नगर, वहाँ पे भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हुकूमत से, मेरे को ये इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम सैयद गौस है, मैं ये दुल्हन का मामा हूँ, मैं बड़ा मामा हूँ, फौजिया का बड़ा मामा हूँ। तो हम लोग जो है मंगल के दिन कंप्लेंट करे, बच्ची की खून की हालत में हम लोग कंप्लेंट करे, तो उन लोग जो है हमारे को जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, हमारी बात पे कोई भी बात पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उन लोग को बुलाने में 2 दिन लग गए, परसों हम लोग कंप्लेंट करे, फिर उषा मोहन को जाके वो सर्टिफिकेट ले लेके आओ बोल के बोले, फिर वो भी ले लेके आके दिए हम लोग, उसके बाद में ठीक है कल आओ बोल के बोले। तो हम लोग दूसरे दिन गए, तो उन लोग कुछ उड़ गए थे, फिर दूसरे दिन आओ बोल के बोले, कल गए तो उन लोग को कॉल करके बोले, तो कॉल करे तो उन लोग बोले ठीक है हम लोग आ रहे बोल के बोले, हमारे भांजी के ससुराल वाले किले वाले। तो उसके बाद में नहीं आए उन लोग, हम लोग 5 बजे तक वहीं पीएस में बैठे हुए थे। फिर मैं जाके वो मैडम को बोला, मैडम प्लीज़ आप एक बार कॉल करो। तो मैडम बोले नहीं सुबह में करे ना कॉल, हम बोल के बोले एक बार करिए ना मैडम, क्या है कैफियत मालूम होती बोल। तो फिर फ़ोन करे उन्होंने मैडम, कॉल करने के बाद में अचानक उनकी सास की तबीयत ख़राब हो गई, वो हो गई, ये हो गई बोली। तो आज सुबह में बुलाए हम लोग, आज आए, आए के बाद में मैडम साहिबा वहाँ के पूछे भी नहीं, वो जो है हमारे भांजी का शौहर जो है उसको पूछे भी नहीं, कैसा मारा क्या मारा कुछ भी नहीं पूछे। फारूक नाम है उसका, हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, साइबर को लेडीज़ को भी नहीं पूछे उन लोग, न्यूसेंस बात करे, एकदम गाली गलूज भी करा पुलिस के सामने, गाली गुलूस कराओ, फारूक की अम्मा फारूक की बहन तीनों भी गाली गुलूस करे, तो ये ऐसा न्यूसेंस एक पुलिस स्टेशन में होता क्या? ऐसा होता क्या पुलिस स्टेशन में? हम लोग हमारे बहन लोग जो है अरे क्या है इन लोग गाली उली बकरे बोल के हमारे बहन लोग पूछे, तो मैडम साहिबा बोल रहे अरे तुम्हारा बाजू खटो ना तो तुम्हारा को भी अंदर डाल देते क्या है वो बोल के, उन लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, ये साइबर पुलिस ऐसी छे क्या? महमूद अली साहब मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये साइबर पुलिस ऐसी छे क्या? हमारे को जो है ना इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिरा बेगम है, हसन नगर के रहने वाले हैं हम लोग, और ये मेरी बच्ची के संगात ऐसा हुआ, उनके ससुराल में बहुत मारे थे, किले में रहते उन्हों, फौजिया है मेरी बच्ची का नाम, मेरे को फ़ोन करके ऐसा लड़ाई भरी बोल के बुलाए थे। मैं उनके घर पे गई तो मार के खून में निले भी थी बच्ची मेरी, तो मैं फिर मंगल के दिन बुलाए थे, फिर मैं जाके वहाँ से इनको ले लेके आ गए हम लोग, मैं हमारी एक बहन जाके, शादी होके 11 महीने हो रहा, 11 महीने से एक दिन भी मेरी बच्ची वहाँ पे बगैर रोए एक रात भी नहीं सोई, ये बच्ची हमारे को बोली नहीं थी आज तक, अब बोलने से मालूम हुआ, फिर हम लोग जाने से उनकी हालत देख के फिर हम लोग क्या करें, वहाँ पीएस में लिखाए जाके राजेंद्र नगर पीएस में, आई सी ले लेके चले गई मैं उधर, यहाँ लेके गए तो बोलो वहाँ लिखे कंप्लेंट लिख के दवाखाने को जाके आओ बोल के, वहाँ का वो लेके आओ बोल के बोले उषा मोहन दवाखाने को, वहाँ जाके वो लेके फिर वहाँ गए हम लोग पीएस को,
वहाँ जाने के बाद मैं ले लेके फिर कल सुबह अम्मा मैडम नहीं है आज बोल के बोले। फिर दूसरे दिन सुबह गए तो बोले अब नहीं है, राउंडिंग पे चले गए मैडम वहाँ बोल के बोल दिए। फिर उस दिन आ गए, फिर कल गए, कल गए तो बोले हाँ गए बाद में से फिर मैडम कहने गए उन्होंने उन लोगों को फ़ोन करके बुलाए तो उन लोग बोले आ रहे बोल के शाम तक बिठा दिए। आइस नहीं फिर लोग फिर हम लोगों को शाम में घर पे भेज दिए। फिर आज गए, आज गए तो फिर लोग आए, आए बाद में से ये नहीं पूछे कि लोग हमारी बच्ची को कौन मारे किधर मारे बोल के नहीं पूछ रहे मैडम। और अच्छा है बच्चा रहें दो अम्मा मिला देंगे जो भी है बात करेंगे बोल के ये बात बोल रहे थे। उन्हें बात कर रहे तो भी कोई बात का उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया समझो। पीएस से कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को इंसाफ और इनसे एक शांत लगातार फिर रही हूँ पीएस पे। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्दों खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।